Hello everyone, so this is the solution of the book exercise of chapter 1, The Lamb Who Listened. So open your book and match your work. A. State whether the following statements are true or false. नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, मींस कुछ लाइंस दिए गए हैं। जो स्टेटमेंट ट्रू हैं उन पर टी, और जो फॉल्स हैं मींस गलत हैं उन पर आपको एफ राइट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर वन इज द शीप वेंट आउट एवरी डे टू कलेक्ट ग्रीन ग्रास। क्या जो भीड़ थी वो डेली हरी घास को इकट्ठा करने के लिए जाती थी? सो अगर आपने ये स्टोरी अच्छे से सुनी है तो आपको पता होगा कि हाँ, वो हरी घास को इकट्ठा करने के लिए डेली जाती थी। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो टी। नंबर टू इज शी कुडंट टेक द लैम्प विद हर एज ही वॉज वेरी नॉटी। मीन्स जो भीड़ थी क्या वो अपने साथ मेमने को नहीं लेकर जाती थी बाहर, क्योंकि वो बहुत नॉटी था? रॉन्ग, ये रॉन्ग है, क्योंकि वो नॉटी नहीं था, शरारती नहीं था, वो बहुत छोटा था, इसलिए वो उसको बाहर नहीं लेकर जाती थी, बहुत छोटा था ना। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो फिल एफ। थर्ड इज द वोल्फ डिसाइडेड टू ईट द लिटिल लैम्ब बिकॉज ही वॉज अलोन। मीन्स क्या उस भेड़िए ने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं उसको, लिटिल लैम्ब को, छोटे मेमने को खाऊंगा क्योंकि वो अकेला है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बिल्कुल सही बात है। सो फिल टी। ओके, नंबर फोर इज द लिटिल लैम्ब ओपेंड द डोर एज सून एज द वोल्फ नॉक्ड ऑन इट। मीन्स क्या छोटे मेमने ने दरवाज़ा खोल दिया था जब उस बुरे भेड़िए ने दरवाजे को खटखटाया था? रॉन्ग, उसने डोर ओपन नहीं किया था, दरवाज़ा नहीं खोला था, बल्कि एक विंडो में से झांक कर देखा था। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो फिल एफ। नंबर फाइव इज द वोल्फ वेंट अवे डिसअपॉइंटेड एज द लैम्ब डिड नॉट ओपन द डोर। मीन्स क्या वो भेड़िया निराशा में चला गया था जब मेमने ने दरवाजे को नहीं खोला था? सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो फिल टी। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज नंबर सिक्स, द शीप वॉज डिलाइटेड टू हियर दैट द लैम्ब हैड कीप्ड हर वर्ड्स इन माइंड। क्या भीड़ ये जानकर खुश थी कि उसके मेमने ने उसके बताए गए वर्ड्स को, मीन्स इंस्ट्रक्शंस को, अपने माइंड में रखा था? बिल्कुल सही बात है, उसने अपने माइंड में रखा था और उनको फॉलो किया था, तभी उस जंगली भेड़िए से अपनी जान बचाई थी। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो फिल टी। सो टर्न द पेज, पेज नंबर सिक्स, लेट्स लिंक टू लाइफ। What would you do if? Means तुम क्या करोगे यदि? नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको आपको टिक करना है, जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो। ओके, नंबर वन इज इट इज ब्रेकफास्ट टाइम एंड योर मॉम टेल्स यू टू ईट योर फूड स्लोली। मीन्स जैसे सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम है, मीन सुबह नाश्ते का टाइम है, और आपकी मम्मी आपसे ये कहें कि आप जो खाना है वो धीरे धीरे खाओ, तो आप क्या करोगे? ए, ईट योर फूड क्विकली सेइंग यू हैव टू गो आउट टू प्ले। क्या आप जल्दी जल्दी खाना खाओगे ये कहकर के मुझे खेलने के लिए बाहर जाना है?
एंड बी इज ईट योर फूड स्लोली एंड च्यू इट प्रॉपरली। आप अपना जो खाना है वो धीरे धीरे से खाओगे और उसको अच्छे से चबा कर खाओगे। सो कौन सा स्टेटमेंट ठीक लग रहा है आपको? नंबर बी इज करेक्ट। आप धीरे धीरे खाना खाएंगे और उसको प्रॉपरली चबा कर खाएंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो टिक। नंबर सेकेंड इज योर डैड आस्क्स यू टू गो टू बेड अर्ली। तुम्हारे पापा तुम्हें जल्दी बेड पे जाने के लिए कहते हैं, मीन्स जल्दी सोने के लिए कहते हैं। सो आप क्या करोगे? सो ए इज इग्नोर हिम एंड कीप वॉचिंग टेलीविज़न। मीन्स आप उनको इग्नोर कर देंगे और टीवी देखते रहेंगे। एंड नंबर बी इज टेल हिम यू विल गो टू बेड इन 10 मिनट्स एंड देन टू डू एग्जैक्टली दैट। आप उनसे कहोगे कि मैं बस 10 मिनट में चला जाऊंगा और आप 10 मिनट बाद सेम वैसा ही करोगे। मीन्स 10 मिनट्स में आप टीवी बंद करके चले जाओगे सोने के लिए। सो विच स्टेटमेंट इज ट्रू? बी। सो टिक इट। एंड द लास्ट वन इज नंबर थर्ड। यू आर गोइंग आउट टू प्ले एंड योर मॉम टेल्स यू टू प्ले क्लोज टू द हाउस। मीन्स आप बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं और आपकी मम्मी बोलती हैं कि आप घर के पास ही खेलना, मीन्स ज़्यादा दूर मत जाना, घर के पास ही खेलना। तो आप क्या करोगे? ए इज प्ले नियर द हाउस अंडरस्टैंडिंग दैट योर मॉम वॉन्ट्स यू टू बी सेफ। मीन्स घर के पास ही खेलोगे यह समझकर, मीन्स मम्मी की बात समझ कर कि वो तुम्हें सेफ रखना चाहती हैं। और नंबर बी इज गो फर्दर अवे टू प्ले थिंकिंग योर मॉम इज ओवर रिएक्टिंग। मीन्स घर से दूर खेलोगे आप जा कर के और ये सोच कर के मम्मी ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हैं। ये बात तो गलत है ना, जब मम्मी हमें मना करती हैं और हमें पास खेलने के लिए कहती हैं तो उसमें हमारी ही भलाई होती है। सो ए स्टेटमेंट इज ट्रू, मीन्स करेक्ट है ये स्टेटमेंट। सो आप इस पर टिक कर दीजिए। ओके, सो इट्स कंप्लीटेड, फिल इट प्रॉपरली। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।